गाइस वेलकम बैक, आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस मैं आपके लिए इंग्लिश की नई नई स्टोरीज लेके आता रहता हूँ और उसका हिंदी अनुवाद करवाता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकें। ओके, और साथ ही मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली यूज वर्ड्स भी लेके आता रहता हूँ। सो गाइस, आपकी जो वोकेबुलरी है यानी शब्दकोश है वो बहुत बिंदास हो जाए, बहुत ही अच्छा हो जाए ताकि आप जल्द ही इंग्लिश को समझने लग जाएं और इंग्लिश को बोलने लग जाएं। तो चलिए गाइस देखते हैं फटाफट वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 वर्ड्स कौन से हैं जो आप सीखने वाले हैं, जिनको सीख कर आप की जो इंग्लिश है एक अच्छे लेवल में पहुँच सकती है। और ऐसे ही तो अभी शुरुआत है, मैं आपके लिए कई सारे डेली यूज़ के वर्ड्स लाऊंगा, ठीक है। इस पर मैं कई वीडियोस बनाता ही रहूंगा, ठीक है। ये मेरा वर्क ही है, ये मेरा लक्ष्य है कि मैं आपके लिए हज़ारों की तादाद में जो है इस तरह की वीडियोस बनाऊं और स्टोरीज तो मैं लेके आता ही रहूँगा, राइट। तो चलिए गाइस सीखते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। आप देख रहे हैं सबसे पहले आपके सामने ये 5 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्रीडी, ग्रेडी मिस होता है लालची। गाइज आपको रीडिंग पे ही बहुत ध्यान देना है, ठीक है। वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आप एक अच्छी इंग्लिश बोलो, राइट। वर्द दूसरा वर्ड है, वर्द। वर्द मिस होता है लायक या योग्य। रिवेंज, रिवेंज यानी बदला लेना। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट या तृप्त। डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट, जो कि सेटिस्फाइड का विलोम शब्द है यानी एंटोनिम्स है। तो इसमें सिर्फ क्या किया गया है, डिस लगा दिया गया है, डिस ये हो गया उसका विलोम शब्द, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट 5 वर्ड्स। कॉस्ट, कॉस्ट यानी दाम या कीमत। प्राइस, प्राइस यानी दाम या कीमत, लेकिन सबसे बोलचाल में जो कॉमन है वो है कॉस्ट। हम बोलते हैं ना व्हाट इज़ द कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या है, तो ये मोस्ट कॉमन है, बाकी दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट। स्टिल, स्टिल यानी अभी तक या अभी भी। नो, नो यहाँ पर के साइलेंट है, राइट, इसको हम सिर्फ पढ़ेंगे नो। जानना या मालूम होना, बोलते हैं ना आई डोंट नो, डू यू नो दिस, क्या तुम्हें जानते हो। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। टफ, इसको हाँ आप बहुत स्पेशली इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते हैं टफ, टफ यहाँ पर ओ यू जी एच का जो उच्चारण है वो क्या हो रहा है, टफ हो रहा है, राइट। कई बार ऐसे वर्ड बहुत कन्फ्यूज करते हैं पढ़ने में और बोलने में भी, राइट। तो टफ का मतलब होता है कठिन या कठोर। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं वो लास्ट 15, आई मीन जो है लास्ट 5 वर्ड्स, जो कि आज के 15 वर्ड्स को पूरा करेगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। आप देख रहे हैं कि ये वर्ड्स बहुत ही कॉमन है और बहुत ही यूजफुल है। अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत। गोल, गोल मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष या खास, राइट। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। सेंसिबल, सेंसिबल मतलब समझदार या अक्लमंद। एडमायर, एडमायर तारीफ करना, सराहना करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एडमायर पढ़ते हैं एम आई आर को मायर, ठीक है। जब भी आई के बाद आर ई आता है तो उसका उच्चारण आयर हो जाता है। तो इस तरह से आपको रीडिंग पे भी ध्यान देना है, तभी आप इंग्लिश को बहुत फास्ट सीख पाएंगे, क्योंकि आप वर्ड मीनिंग के साथ साथ उसको पढ़ना सीख जाएंगे अच्छी तरह से, तो आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं और स्मूदली इंग्लिश आपके मुंह से निकलेगी, क्योंकि आपको मीनिंग के साथ साथ उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो भी अच्छे से आने लग जाएगा। तो सो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी और इस तरह की वीडियो जो है आपके लिए कितना हेल्पफुल रहती है, और जो भी आपका अपना, ठीक है, राय है, ओपिनियन है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर कर दें गाइस, ठीक है। यही आपका जो है हमारे लिए सम्मान है और आपका प्यार है, आप जो भी समझें ये आपका गुरुदक्षिणा है, क्योंकि वीडियोज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो सो गाइस, कम से कम आप लाइक तो कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।